नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग पानी को साधारण समझते हैं। हमारा यह सोचना है कि हम पानी को जब चाहे जैसे चाहे पी सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण दिखता है उतना साधारण नहीं होता। पानी का हमारे शरीर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने में मदद करना, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, पेट से लेकर त्वचा तक, हमारे वजन बढ़ाने से लेकर हमारे वजन घटाने तक बहुत महत्वपूर्ण पानी का योगदान होता है। अगर आपको पानी पीने का सही तरीका मालूम नहीं और सही समय मालूम नहीं है, तो आप जितना भी पौष्टिक पदार्थ खा लो उसका फ़ायदा आपके शरीर को नहीं मिलेगा, जिसके कारण भविष्य में आपको कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि अपचन, कब्ज, गैस, लीवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दांत खुजली, चेहरे पर पिंपल, दाग धब्बे होना, शरीर में खाया पिया ना लगना, जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना या रातों में नींद नहीं आना जैसे बीमारी पानी सही तरीके से ना पीने या सही मात्रा में ना पीने से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पानी पीने का सही मात्रा क्या है, पानी एक बार में कितनी पीनी चाहिए, एक बार में कितने गिलास पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, किस तरह का पानी होना चाहिए, गर्म, ठंडा या नॉर्मल, और पानी वजन बढ़ाने और घटाने में कैसे मदद करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 60-70% पानी है। जब हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी, लीवर, फेफड़े और पाचन तंत्र और शरीर के सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने में मदद करता है, और सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के कोशिकाओं को जिंदा रखने में मदद करता है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होने से पेशाब पीले रंग का हो जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगता है, चेहरे और स्किन की चमड़ी रूखी व बेजान होने लगती है। अब बात करते हैं कि एक सामान्य इंसान को कितना पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, एक नॉर्मल व्यक्ति को एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जो कि एक गिलास के एवरेज से 8 से 9 गिलास होता है। तो अब बात आती है कि क्या होगा अगर हम एवरेज से ज़्यादा पानी पी लें। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा हम यूज करते हैं तो उसका नुकसान हमारे शरीर को होता है। एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए? तो दोस्तों, एक बार में 1 से 1.5 गिलास ही पानी पीना चाहिए, और पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए। पानी गर्म, ठंडा या नॉर्मल पीना चाहिए? दोस्तों, पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हमारे पाचन तंत्र के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि जब हम ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो वह हमारे पेट में जाकर पहले गर्म होता है, तब अपना काम करता है, जिससे बहुत समय लग जाता है और हमारा पाचन क्रिया बिगड़ने लगता है। गर्म पानी या नॉर्मल पानी पीने से वह हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है और हमारे पाचन क्रिया को ठीक रखता पानी है। पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए? पहले जानते हैं दोस्तों कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पेट में जाकर हमारे भोजन को पतला कर देता है, जिससे हमारा पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाता। रात को सोने से पहले या रात को अचानक उठकर पानी नहीं पीना चाहिए। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर रात में एक्टिव नहीं होता, जिसके कारण हमारे पाचन क्रिया को वह सही से नहीं कर पाता और पानी किडनी में जाकर तुरंत जमा होकर रहता है, जिससे हमारे किडनी को नुकसान हो सकता है। तो रात को ज़्यादा पानी ना पिए, दिन में ही पानी पिए। तो अब जानते हैं दोस्तों कि पानी कब पीना चाहिए। तो दोस्तों, सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना चाहिए, जिससे आपके शरीर में जमा हुए जहरीले पदार्थ बाहर हो जाते हैं और आपको मोशन होने में भी कोई तकलीफ नहीं होता और आप दिन भर एक्टिव महसूस करते हैं। तो दोस्तों, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होता है तो
तो हमारा पेशाब पीला होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर में पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाता। और तो दोस्तों पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और पानी का सही मात्रा में लेना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। अगर हम पानी कम पीते हैं तो इसके हमारे शरीर पे कई सारे नुकसान हो सकते हैं और कई सारी बीमारियां हमारे शरीर पे आ सकती है। वैसे ही दोस्तों पानी की अधिकता भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। इसलिए दोस्तों यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम किस तरह से पानी को लें, कैसे लें, किस मात्रा में लें, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है जिससे हमारे शरीर को फ़ायदा हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।